हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जिससे आप खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड खुद के स्टोर को जनरेट कर सकते हो। तो इस ऐप का नाम है शॉपमेटिक एंड शॉपमेटिक पे आप मैं आपको बता दूँ तो कैसे आप काम कर सकते हो। तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको शॉपमेटिक प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एंड मैं यहाँ पर आपको डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपने रेट ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने अपना एक पिक था जो मैं आपके लिए डिलीट कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब शॉपमेटिक डाउनलोड करोगे तो उस पर आपको दिख जाएगा या तो आप ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल से साइन अप हो जाओ। एंड साइन अप होने के बाद फिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि फर्स्ट सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आपको यहाँ स्टोर का वेब एड्रेस शॉप का कुछ नाम देना होगा आपको यहाँ पर। शॉप का आप नाम देने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश स्टोर कर देना है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी जब कोई ऑर्डर आएगा। देन आपको यहाँ प्रोफाइल मैनेज करना है, मतलब कि अपना स्टोर का नाम, फर्स्ट नेम, सेकेंड लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, स्टोर का नाम आप क्या रखना चाहते हो, आपका क्या नाम है, फिर उसके बाद स्टोर का आप क्या नाम रखना चाहते हो, स्टोर का ईमेल एड्रेस क्या रखना चाहते हो, ये सब आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, बिजनेस फोन नंबर के साथ आपको यहाँ पर भेजना होगा। फिर सोशल मीडिया लिंक में भी आपको डालना होगा कि सोशल मीडिया लिंक पे आपको ये सब कहाँ कहाँ आप शेयर करना चाहते हो, ये सब जहाँ से आपको फ़ायदा हो, आपको ज़्यादा कस्टमर मिले। एंड पेमेंट का मेथड भी आपको रखना होगा कि साइट्रस एक डेबिट कार्ड बैंक ट्रांसफर है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी या ऑफलाइन पेमेंट भी रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर चैट की सुविधा भी दे दी जाती है कि अगर कोई कस्टमर प्रॉब्लम में हो तो आप वहां से फेसबुक मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप से आप अपना नंबर दे सके और फिर फेसबुक पे आप अपना न्यूमरिक कुछ भी आईडी दे सको और उसके बाद अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से आपको वो चैट करके आपसे हेल्प ले सके। फिर उसके बाद आता है यहां पर प्रोडक्ट ऐड करने का बात। तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा। कैमरा का ऑप्शन दिखने पर यहाँ पर एल्बम पर चल जाना। एल्बम पर जाके आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं बता दूँ तो अगर आप जो प्रोडक्ट का फ़ोटो ऐड कर रहे हो वहाँ पर आपको पर फोटो आपको 4 फोटोज़ लगेंगे, जो पर प्रोडक्ट है उसके 4 फोटोज़ लगेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कुछ भी जो आपका प्रोडक्ट है उसका टाइटल दे देना है, जैसे मैं दे दे रहा हूँ। टाइटल देने के बाद आपको यहाँ पर मैं बता दूँ तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का बात क्या है, जो आपका ओरिजिनल जैसे आपने ये ख़रीदा है मोबाइल 15,999 में एंड इसे आप बेचना चाहते हो 17,999 में, तो इसका ओरिजिनल प्राइस आप दे दो कुछ बढ़ा करके 20,999 एंड इसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दो कि 17,999 का, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस देखेगा हाँ इतना ज़्यादा है एंड सेलिंग प्राइस देखेगा हाँ इतना कम है तो ज़रूर ख़रीदने के लिए आएगा। स्टॉक क्वान्टिटी बता दो कि कितने मोबाइल से आपके पास, या तो आप ख़रीद सकते हो किसी भी स्टोर को, स्टोर से आप ख़रीद के अपने पास स्टॉक में रख लो, क्योंकि अगर आपका अच्छा से रन कर रहा है तो आप किसी स्टॉक शॉप से आप ख़रीद के अपने पास स्टॉक जमा कर लो एंड जब आपके पास आएगा तो आप डिलीवरी कर लेना। एंड आपको एक डिलीवरी बॉय भी रखना होगा कि उस एड्रेस पर जाके आपको डिलीवरी कर दे। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस एंड कैटेगरी देखिए, फिर एडक्ट प्रोडक्ट एंड सेटअप द शॉप करके आपको यहाँ पर सेटअप कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो दिखा रहा है 20,999 यहाँ कट ऑफ कर दिया एंड 17,999 आपको यहाँ दिखा दिया गया, ये आपका हो गया। एंड इसके बाद आपको अपने दोस्तों को बोलना है कि एक ऐसे ऐसे मेरा ऐप है एंड आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट पे अपना वेब सेट करना जानते हो कि कैसे आप ऑनलाइन स्टोर को डिज़ाइन करते हो तो वो भी सुविधा आपको मिल जाएगी। सब बस आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना करना, तो आपको वहाँ पर लेआउट सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा कैसा लेआउट आपको चाहिए, तो वो सब भी आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।